स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं टॉपिक स्फीयर। देखिए ये हमारे HPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए स्पेशल अलग से HPSC ने रिकमेंड कर रखा है। देखिए स्फीयर, तो देखिए जैसे आपने पढ़ा है सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है भाई, सेंटर से पास होने वाली x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, ये होती है। अब इसमें जो स्फीयर होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, इसमें इसमें जेड कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर आएगी सेंटर से पास होने वाले की x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, r रेडियस ऑफ स्फीयर। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, r पोजीशन वेक्टर माइनस जीरो सेंटर वेक्टर बराबर रेडियस r। अब देखिए इसी को अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिखना है, अगर सेंटर हमें ओरिजिन की बजाय कोई अदर दे रखा हो, देन x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। नाउ देखिए ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। वैसे इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है भाई, x इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है। तो इसमें क्या होएगा, इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कंपोनेंट के आगे मान लो a लगाओ, क्या लगाओ a, मतलब सब तीनों का कंपोनेंट क्या हो, कोफिशेंट क्या हो, सेम, तीनों का कोफिशेंट क्या है सेम, और टू म्यू एक्स टू वी वाई और टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर जीरो। देन सेंटर, देखो सर्कल में सेंटर क्या होता था, माइनस जी और माइनस एफ, इसमें सेंटर क्या हो जाएगा, देखो इसके कोफिशेंट का आधा, तो माइनस यू बाई ए माइनस वी बाई ए और माइनस का डब्ल्यू बाई ए, ये हमारा सेंटर हो गया। सर्कल में आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। इसमें जो सेंटर है उसका माइनस कर देंगे तो यू बाई उनका स्क्वायर करके हम जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे कॉन्स्टेंट टर्म को। तो हम इसी तरीके से इसमें करेंगे माइनस यू बाई ए का स्क्वायर प्लस माइनस वी बाई ए का स्क्वायर प्लस माइनस डब्ल्यू बाई ए का स्क्वायर माइनस जो डी है उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए स्फीयर जो होता है वो थ्री टाइप का होता है। एक होता है रियल सर्कल, रियल सर्कल कब होगा, जब उसकी रेडियस ग्रेटर देन जीरो होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा रियल सर्कल। अगर रेडियस जीरो के बराबर है तो वो पॉइंट सर्कल बनेगा, अगर रेडियस जीरो से कम है तो वो कैसा सर्कल बनेगा, इमेजिनरी सर्कल। अब हम करेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है डायमेट्रिक फॉर्म में, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, मतलब ये एक्स वन एक्स टू क्या है डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स, प्लस ये एब्सिसा हो गया डायमीटर के, वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू बराबर क्या होती है जीरो। ये तो होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल में, कौन सी डायमेट्रिक फॉर्म में। अब मान लो वो स्फीयर दे रखा हो, स्फीयर दे रखा हो तो x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तीन में हो जाएगा। अब देखो इसने क्या दे रखा है, r में से जो पहला कोऑर्डिनेट है r1 उसको घटाया और उसका स्क्वायर प्लस r में से r2 के कोऑर्डिनेट को घटाया उसका स्क्वायर बराबर r1 माइनस r2 का स्क्वायर। याद रखना R1 R2 दो पोजीशन वेक्टर किसके दे रखे हैं हमारे स्फीयर के। देन आप क्या करोगे, R जो कोई पॉइंट है सर्कल स्फीयर के ऊपर उसमें से R माइनस R1 का स्क्वायर प्लस R माइनस R2 का स्क्वायर बराबर R1 माइनस R2 का स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में हम देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कार्टेशियन फॉर्म में सेम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू बराबर क्या होता है जीरो। नाउ सेंटर ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू और जेड वन प्लस जेड टू बाई टू, वो क्या होता है हमारा मिड पॉइंट। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स है स्फीयर के। देखिए मान लो एस वन एक स्फीयर है और एक्स टू कोई दूसरा स्फीयर है, सॉरी इस स्फीयर का सेंटर क्या है सी वन और रेडियस क्या है आर वन, दूसरे स्फीयर का सेंटर क्या है C2 और रेडियस क्या है R2। नाउ स्फीयर टच इंटरनली, अब देखो दो स्फीयर है, एक स्फीयर अंदर और एक स्फीयर बाहर, दोनों टच कर रहे हैं, इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2। तो तुम देखो ये सेंटर जैसे टच कर रहा है तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, C1 C2, उसको दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर है, देखो वो वाली डिस्टेंस क्या है रेडियस के डिफरेंस के बराबर है, किसके बराबर है रेडियस के डिफरेंस के दोनों की, तो वो टच करेंगे। देखो सिंपल से बात है, एक सर्कल ये है सॉरी स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, अब वो एक्सटर्नली टच कर रहेंगे कब, जब वो दोनों की जो रेडियस है दोनों का सम होगा, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और अंदर कब टच करेंगे, देखो एक के अंदर एक बना हुआ है
मान लो इसका सेंटर ये वाला है और इसका सेंटर ये वाला है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस, तो इस रेडियस में से ये रेडियस घटाओगे तो वो किसके बराबर है, ये इसके सी वन और सी टू के बीच की डिस्टेंस के। तो सी वन सी टू जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर, दोनों की रेडियस के डिफरेंस के। नेक्स्ट अगर एक्सोनेट कब टच करेंगे, अगर उनका सम के बराबर है, अभी मैंने आपको बताया था सी वन सी टू दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर है, दोनों के रेडियस के सम के इक्वल। इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे, अगर सी वन सी टू के बीच की डिस्टेंस दोनों रेडियस के सम से क्या है, बड़ी, तब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए भाई, वन स्फीयर दूसरे के अंदर कब लाई करता है। देखो एक स्फीयर दूसरे के अंदर लाई कर रहा है पूरा, तो मतलब उनका जो सर्कल सेंटर है वो क्या रहेगा, सेम। तो सी वन और सी टू के बीच की डिस्टेंस है इस बार आर वन माइनस आर टू जो रेडियस का डिफरेंस है उससे भी क्या होगी, छोटी, इससे क्या होगी, छोटी। तो एक सर्कल दूसरे, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के अंदर लाई करेगा। आगे देखो, याद रखना दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा रेडियस के डिफरेंस के और रेडियस के सम के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट हमारा, जब स्फीयर टच करते हैं एक दूसरे को, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। देखो दो स्फीयर टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनके बीच में एक ही टेंजेंट निकल के आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है एस वन माइनस एस टू बराबर जीरो। क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, एस वन माइनस एस टू बराबर जीरो, या एस वन बराबर एस टू लिख सकते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट नोट है इक्वेशन में कि देखिए, हाँ जैसे मान लो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए ना, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ स्फीयर सेंटर हो गया ये ए इक्वल टू रेडियस के इक्वल है ना, रेडियस यहाँ पे क्या ले लूँ, एक मिनट रुकिए, मैंने उसमें आपको एक इक्वेशन बताई थी, उसमें हम जाके चेक करते हैं एक बार। 3D के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे निकालेंगे के अंदर इक्वेशन ऑफ प्लेन, यस। तो डायमेट्रिक फॉर्म हम कर चुके हैं स्फीयर की, जस्ट अ मिनट, देखिए ये मैंने बताया तो है, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ लिखा हुआ था। अब देखो भाई, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन में कैसे फॉर्मूला होता है इसका, वेक्टर आर का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर आर डॉट ए प्लस लैम्डा बराबर जीरो। तो ये हमें दो सर्कल की दे रखी है, तो इसमें यहाँ पे रिप्रेजेंट स्फीयर ऑफ रेडियस, अब इस स्फीयर की रेडियस निकालनी है, तो उसके रेडियस क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस लैम्डा, क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस लैम्डा और उसका स्क्वायर रूट। नाउ मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड बाई टू प्लस में लैम्डा बराबर जीरो, ये मतलब हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। आगे देखिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्फीयर। देखो जैसे एक स्फीयर है, टेंजेंट क्या करती है, एक पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी। अब देखिए, हाँ हम स्फीयर में से क्या करेंगे, सेंटर को घटाएंगे, वो बराबर आ रहा है, यस ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आर माइनस ए बराबर क्या है, कैपिटल आर का मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये एक प्लेन है, जैसे प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन होगी, तो वो किसके इक्वल है, रेडियस के, क्योंकि देखो सेंटर से जो डिस्टेंस गिरती है प्लेन के ऊपर वो किसके बराबर होती है भाई, रेडियस के। अगर वो रेडियस के इक्वल हो जाए, जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरेगी प्लेन के ऊपर वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो वो उसको टच करेगा। अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, गिवन प्लेन डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालते हैं ना गिवन प्लेन, तो गिवन प्लेन डिवाइड में मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाए, आर के। आगे देखिए कार्टिजन फॉर्म ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस पी बराबर है जीरो, ये प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास और ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर की इक्वेशन है। तो इसको कार्टिजन फॉर्म में ही अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्लेन देखिए ये वैल्यू है हमारे पास यू ए प्लस में वी बी प्लस में डब्ल्यू सी प्लस में पी का होल स्क्वायर बराबर है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, याद रखना। देखो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेंटर, सेंटर क्या है यहाँ पे, यू वी डब्ल्यू, वो एक्स वाई जेड की जगह में पुट करेंगे, तो यू ए और सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ, और वी बी प्लस में डब्ल्यू सी प्लस में पी, क्योंकि सेंटर से हमें डिस्टेंस देखनी है, तो सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा गिवन प्लेन को, उसका स्क्वायर बराबर किसके होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो ये हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, दोनों के प्लेन का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ये हमारी, देखो
इस पॉइंट को जो UVW है सेंटर, उसको मैंने किस में, जो स्फीयर का सेंटर है उसको मैंने सेटिस्फाई करवाया प्लेन में, और हमने क्या कर दिया उस प्लेन का स्क्वायर बराबर जो हमारे प्लेन के क्या निकल रहे हैं डायरेक्शन रेशियो उनका स्क्वायर, और इनटू में जो हमारा सेंटर रेडियस, इनटू में ये क्या है रेडियस, ये किसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर, ये वाली चीज़ क्या है भाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। देखो याद रखना जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा रेडियस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन हमें निकालनी आती है, गिवन प्लेन डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, और वो बराबर हो जाएगा रेडियस के। मेरे को ये वाला ही तरीका लगता है, इसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत भी होगी लेकिन ये तुरंत हो जाएगा। आगे देखिए भाई, इन मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस और स्फीयर फ्रॉम द पॉइंट दिस वन आर अल्फा एंड बीटा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें दे रखे एफ एक्स वाई जेड, हम जानते हैं स्टेप वन पुट गिवन पॉइंट इन स्फीयर, पहले इस पॉइंट को हम हाँ स्फीयर में पुट करके देखेंगे कि वो पॉइंट बाहर है या अंदर है। अब जैसे पॉइंट अगर अंदर है या बाउंड्री पे है या बाहर है, अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे होती है, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस उस पॉइंट से क्या होगी वो सेंटर, वो मिनिमम डिस्टेंस तो कब होगी जब वो पॉइंट सेंटर पे लाई कर जाए, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी जब वो बाउंड्री पे लाई करेगा। तो नाउ पुट द गिवन पॉइंट इन स्फीयर, फिर हम देखेंगे कि वो कैसे करता है। तो हमारा पॉइंट है माइनस वन चार और माइनस के दो, तो इसको हम स्फीयर में पुट कर देते हैं। हमने पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ गई जीरो, वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब ये पॉइंट जो पॉइंट है वो स्फीयर के ऊपर बाउंड्री के ऊपर मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा बाउंड्री के ऊपर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है दो पॉइंट के बीच में 2r, मतलब डायमीटर के बराबर होती है। याद रखना मैक्सिमम डिस्टेंस बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई में r, तो वो बराबर क्या है अल्फा डायमीटर के, और मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है जीरो, मिनिमम डिस्टेंस हमेशा जीरो होती है क्योंकि वो सेंटर पे लाई करेगा। तो अब UVW हम कोफिशिएंट कंपेयर करके निकाल लेंगे, और r का फॉर्मूला हमें पता ही है, u बाई a का स्क्वायर प्लस v बाई a का स्क्वायर w बाई a का स्क्वायर माइनस का d, तो उससे हम r निकाल लेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगी दो गुना में 3 6, और हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये 6 आ ही चुका है, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 0, तो 36 आंसर हो जाएगा हमारा। नाउ सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय ए प्लेन, देखिए मान लो ये एक स्फीयर है, इसको एक प्लेन कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल बनेगा उसको बोलते हैं ऑक्जिलरी सर्कल, क्या बोलते हैं ऑक्जिलरी सर्कल। तो आर देखो अब ये सर्कल बना अब ये प्लेन है, ठीक है, तो ये मैंने ये सेंटर किसका है हमारे पास स्फीयर का, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये ओ बी क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, और यहाँ पे ए बी क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ क्या है सर्कल, तो ओ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। नाउ स्मॉल आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल, और कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे ओ ए निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दूंगी, कैपिटल आर के स्क्वायर में से आर का स्क्वायर घटा दूंगी, तो ये क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी दोनों के बीच की, है ना, सेंटर ऑफ स्फीयर और प्लेन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। नाउ प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज ऑलवेज एक सर्कल होता है, ऑक्जिलरी सर्कल बोलते हैं जिसको, और सी एम बराबर पी मान लिया हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन निकालना है। तो देखो ए एम जैसे अभी मैंने निकाला था, तो ए एम निकालने के लिए क्या ए एम का ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा ए एम का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर में से अगर सी एम का स्क्वायर घटाऊंगी तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आर अगर बराबर है तो पी और आर क्या है बराबर, तो प्लेन टच कर जाएगा सर्कल को, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो जैसे इसमें पुट कर लो, देखो जैसे ए एम का स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर माइनस सी एम का स्क्वायर है। अब मैंने क्या बोला ये पी और ये आर क्या है बराबर, तो ये आर बराबर है, तो मान लो दोनों आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गए तो जीरो, तो इसका मतलब ए एम जो है ऑक्जिलरी सर्कल बना ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्जिलरी सर्कल ही नहीं बना, तो प्लेन और स्फीयर क्या कर रहे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से क्या है ज़्यादा तो प्लेन टच ही नहीं करेगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ये रेडियस से ज़्यादा होगी तो प्लेन टच नहीं करेगा, अगर ये बराबर है तो प्लेन टच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन इन प्लेन इज गिवन बाय द दिस वन, देखो भाई रिफ्लेक्शन का मैं एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला, मान लो दो प्लेन दे रखे हैं तो उसके रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला है दुगना, क्योंकि दो दे रखे हैं, देखो याद रखने का तरीका दो प्लेन दे रखे हैं तो दुगना। अब जो इन दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो है ना उनका प्रोडक्ट, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट हो गया, और पहले प्लेन की इक्वेशन बराबर आ जाएगी। अब सेकंड प्लेन जो है देखो उसके डायरेक्शन रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मतलब जो
इन प्लेन, देखो रिफ्लेक्शन इस प्लेन की निकालनी है इस प्लेन में, तो ओरिजिनल प्लेन ये है और जिसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है ये है, तो जो गिवन ओरिजिनल प्लेन है उसका स्क्वायर, उनके मतलब डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन, दूसरे प्लेन की इक्वेशन याद रखना, दूसरी बार बता रही हूँ आपको ये फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले दो प्लेन है तो दो गुना में, तो अब मुझे निकालनी किसकी है, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस प्लेन टू दिस वन, तो इस प्लेन की निकालनी है, तो इस प्लेन का जो है वो वैल्यू पुट करूँगी, मान लो यहाँ पुट करी तो यहाँ पे दुगना बाहर और इन दोनों प्लेन का प्रोडक्ट, ठीक है। अब जिसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है वो सामने और इसमें जिसमें रिफ्लेक्शन निकालनी है उस प्लेन की स्क्वायर कर देंगे उनके मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इन 3D, मान लो ए बी सी तीन पॉइंट दे रखे हैं, तो वो होता है डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल जेड का स्क्वायर और उसका रूट, तो 3D में इस तरीके से निकलता है। आगे देखिए अगला हम करेंगे सेट वाला टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। कुछ स्फीयर के हम न्यूमेरिकल करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।